22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। अयोध्या में आज श्रीराम लला जन्मस्थली पर बने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 5 लोगों ने विशेष पूजन अनुष्ठान के पश्चात उनके आंखों पर लगे पट्टी को हटाया और आज से प्रभु श्रीराम के दर्शन पूजन का कार्य अयोध्या में प्रारंभ हो गया। प्रभु श्रीराम के इस विशेष पूजन को जहाँ पूरे भारतवर्ष विश्व में देखा गया, वहीं वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर लगे LCD एवं सभी प्लेटफॉर्म पर लगे TV में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, ताकि हर रेल यात्री इस अवसर को अपनी आंखों में कैद कर सके। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बड़ी संख्या में रेल यात्री एवं आम जनमानस हाथ जोड़ इस नैनाभिराम दृश्य को देखते रहे और प्रभु श्रीराम के नारे से पूरा कैंट स्टेशन गुंजायमान रहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संपन्न होने पर वहां मौजूद लोगों ने केसरिया झंडा फहराते हुए जय श्री राम का नारा लगाया और लोगों के बीच में मिष्ठान का वितरण किया। रामलला का सजीव प्रसारण बड़े डिस्प्ले पर देखते हुए वहां मौजूद कमलेश पांडे ने कहा कि हम लोगों का 500 साल का इंतजार आज खत्म हुआ और यह हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा संभव हो पाया है। इस पल के हम लोग प्रत्यक्ष साक्षी बने हैं और वहीं कैंट रेलवे स्टेशन पर लगे इस डिस्प्ले की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने रेलवे प्रशासन को धन्यवाद दिया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में युवा एक समूह में पहुंचकर अपनी खुशियां जाहिर किए और लोगों के बीच में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रसाद स्वरूप मिष्ठान का वितरण किया और उनके हाथों में केसरिया ध्वज एवं गले में केसरिया पट्टा पहनाते हुए जय श्री राम को उद्घोष करते हुए लोगों के साथ मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। काशी के ऐतिहासिक गोदुलिया चौराहे पर भी कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिला, जहां अयोध्या में श्री राम लला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सजीव प्रसारण का गवाह बनने के लिए चौराहा पूरी तरह राम भक्तों से पड़ गया था और जैसे ही प्रधानमंत्री ने श्री राम लला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का समापन किया, वैसे ही राम भक्त खुशी से झूम उठे और माहौल को जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान कर दिया।